अशोक ठाकुर, दिल्ली के द्वारका इलाके के अनऑथराइज्ड कॉलोनी मोहन गार्डन में स्थित मुनि इंटरनेशनल स्कूल के संस्थापक आज ठाकुर देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट हैं। देश ही नहीं विदेशों में भी शिक्षा में सुधार पर होने वाले कार्यक्रमों में स्पीच और सलाह के लिए ठाकुर को बुलावा आता है। इनके स्कूल को जापान सरकार ने गोद लिया है, जो कभी डीपीएसआर के पुरम के साथ जुड़ी हुई थी। यूएस का अशोका फाउंडेशन स्कूली शिक्षा में बदलाव के लिए इन्हें चेंज मेकर सम्मान से कई बार नवाज चुकी है। वहीं यूनेस्को ने वर्ल्ड के बेस्ट स्कूलों में मुनि इंटरनेशनल स्कूल को शामिल किया है। एजुकेशन वर्ल्ड ने भी मुनि इंटरनेशनल स्कूल को दिल्ली और एनसीआर के सबसे बेहतरीन स्कूलों में शामिल किया है। उपलब्धियों की फहरिस्त इतनी कि गिनाना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम यहाँ स्कूल की नहीं अशोक ठाकुर की बात कर रहे हैं। उस अशोक ठाकुर की जो अपने स्कूल में बैक बेंचर हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी बीकॉम की पढ़ाई पूरी नहीं की। कभी वे आर्मी में नौकरी किया करते थे, नौकरी से रिटायर होने के बाद परिवार की दुकान में हाथ बटाया और फिर उसी दुकान में ही मुनि इंटरनेशनल स्कूल की स्थापना की। आसपास के इलाकों में इस स्कूल को नाम मिला दुकान वाला स्कूल। स्कूल में हुए घाटे की भरपाई के लिए इन्होंने दुबई जाकर मजदूरी की, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। आज अशोक ठाकुर देश के जाने माने एजुकेशनिस्ट में गिने जाते हैं। इनके मुनि इंटरनेशनल स्कूल की न सिर्फ अपनी पहचान है, बल्कि देश के कई हिस्सों में इनके ब्रांच भी खुल रहे हैं। आखिर ये चमत्कार हुआ कैसे? एक बैक बेंचर एजुकेशनिस्ट कैसे बन गया? इन तमाम सवालों का जवाब ढूंढने के लिए रेड नेटवर्क ने चेंज मेकर अशोक ठाकुर की पिछली जिंदगी और उनके अब तक के सफर को जानने की कोशिश की। अगर आप भी जीवन में बनना चाहते हैं चेंज मेकर, तो उनके साथ दृष्टि के इस इंटरव्यू को पूरा जरूर देखिए। उसके बाद आपके जहन में उठने वाले तमाम सवालों के जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे। साथ ही मिलेगा चेंज मेकर बनने का अद्भुत मंत्र। तो ये है सुपर गुरु अशोक ठाकुर जी की कहानी, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अशोक जी, आपका रेड नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। आप पहले आर्मी में थे, और फिर आपका ये ख्याल स्कूल खोलने का ख्याल आपको कैसे आया? देखिए, मैं समझता हूँ नियति ऐसी ही होनी चाहिए थी, क्योंकि आर्मी से मुझे डिसिप्लिन मिला, आर्मी से काम को जुनून तक करने का मौका मिला, ट्रेनिंग मिली, और नियति ने अपना गेम बहुत सुंदर खेला। जैसे ही मैं आर्मी छोड़ के आया, तो मेरी व्यक्तिगत जो पीड़ा थी कि मेरे जैसा कमजोर बच्चा, मेरे जैसा भटका हुआ, मेरे जैसा शोषित बच्चा और कोई ना बने, ये मेरे अंदर चित भर चुकी थी। क्योंकि मैं जिंदगी की जो भी तकलीफें थी उनकी गहराई तक अनुभव कर चुका था, और अपेक्षित और जितने भी शब्द रचना की जा सके उनको नज़दीक या दूर, कम या ज़्यादा भाप चुका था। तो ये दर्द था मेरा। मैंने कहा कि दर्द मिटेगा कैसे, ये दर्द ख़त्म कैसे होगा? मैं अगर सफल भी हो जाता हूँ और ये व्यक्तिगत यात्रा रहे, तो दूसरे अशोक फिर भी पैदा होते रहेंगे। मैंने कहा नहीं, शिक्षा परिवार की यात्रा हो, शिक्षा समाज की यात्रा हो, शिक्षा परंपरा की यात्रा हो, इसके लिए मुझे तैयार होना चाहिए। मैं जब सेना छोड़ के आया 8 साल बाद, तो मैंने सोचा कि मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं कंप्लेन करूं या ब्लेम करूं, या मैं विक्टिमाइज होकर रहूं। मैंने कहा नहीं, कंप्लेन और ब्लेम ये व्यक्तिगत कमजोरियां हैं, करके दिखाया जाए। मुझे लगा कि सही है, दुनिया पूरी तरफ एक शब्द की शिक्षा की परिभाषा से ही इधर उधर पता नहीं कहां कहां गई हुई है। तो मैंने कहा ना, मैं एक इसकी परिभाषा को सही तरीके समझूं, और इस परिभाषा के साथ बच्चों के स्कूल को इस्टेब्लिश करूं, और बच्चों से माता पिता की जिंदगी और उसमें समाज में उदाहरण दे करके उसको आगे बढ़ाऊं। सफर शुरू हुआ, जो आज स्कूल है,
दो दुकानें और जिस हम जहां हम बैठे हैं ये क्लासरूम से। कहते हैं कि बदलाव जल्दी स्वीकार नहीं होता, और बदलाव के स्वीकार होने के कुछ स्टेप्स होते हैं कि पहले लोग आपका अपमान करेंगे, तिरस्कार करेंगे, फिर चुप हो जाएंगे, फिर धीरे धीरे सहमति में आएंगे और अंत में कहेंगे मैं तो जानता था ऐसा हो जाएगा, तो मुझे ये स्टेप पार करने ही थे, मैं विशेष नहीं था। चल पड़ा, बहुत लोगों ने बहुत बातें कही, जैसे आपने कहा कि जख्म है कोई नहीं देखता। ठीक है, जख्म क्यों देखें, ये दुनिया फ्रूट देखती है, हम पेड़ नहीं पूछते, हम पूछते पेड़ में से फल कौन सा आया है। तो ये दुनिया की परंपरा थी, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, कोई गिला शिकवा नहीं है किसी के दर्द से। मैं समझता हूँ आप जितने मुझे दर्द मिलते हैं मैं उतना और स्ट्रांग होता हूँ और बदलाव की तरफ चल देता हूँ, क्योंकि मैं आज ये देखता हूँ कि शिक्षा में सिर्फ एक अशोक नहीं, जितनी दुनिया में युवा पीढ़ी पैदा हो रही है या जो बचपन आ रहा है वो सब विक्टिमाइज हो रहे हैं। अगर कोई अपराध कर रहा है तो उसके पीछे उसका मूल नहीं है, उसके पीछे कहीं ना कहीं उसकी समझ काम कर रही है। अगर कोई चोर चोरी करता है तो इसलिए नहीं कर रहा कि ये काम गलत है, उसके पास उसके 10 आंसर है उसको चोरी करने के। मैंने कहा ठीक है, तो मेन एक सीक्रेट वर्ड बताओ कि कौन से चीज़ों से ये सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं, तो वो शिक्षा थी। देखिए, पेड़ पौधों को शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पेड़ पौधे आप शिक्षा दें या ना दें, आम का पेड़ आम ही देगा, अंगूर का पेड़ अंगूर ही देगा। उसके बाद जानवरों को भी शिक्षा देने की कोई ज़रूरत नहीं थी, किसी आप शेर को खूब कलाएँ सिखाकर शिक्षा दे करके कुर्सी पर तो बैठा सकते हैं, ज्ञानी नहीं बना सकते। कोई तोता अगर 10 बार राम राम करे, कोई तोता अगर सूत्र पढ़ दे, तोता ज्ञानी नहीं है, उसकी आवाज में सुनने का प्रयास कर रहे हैं हम। तो ये काम शिक्षा का सिर्फ और सिर्फ आदमियों पे होना था। मुझे राह मिल गई, मैं चल पड़ा, और बल्कि लोगों ने कहा कि बहुत दूर नहीं जाओगे। मैंने कहा अगर मैं टिका रहा, और इस अकेले के साथ में दिक्कत, मजेदार बात ये थी कि कोई था नहीं साथी तो कोई तकलीफ भी नहीं थी। मैं अकेला चल पड़ा, और वो कहते हैं कि लोग कारवां जुड़ता गया जुड़ता गया। अशोका चेंज मेकर जैसे लोग आए, आज देश विदेश मानता है, आज देश विदेश मानता है, कारवां चला। पहले आपने तो स्कूल जब खोला था वो बेसिकली हर कोई जैसे खोलता है अपने जीवन यापन के लिए खोलता है, लेकिन आज आप एजुकेशन को आंदोलन बना रहे, तो ये चेंज कैसे आया? देखिए, शिक्षा और स्कूल ये जीवन यापन का साधन नहीं होना चाहिए था, ये उन लोगों को इस फील्ड में आना था जिनको दर्द था। पता ही नहीं चला कि कब ये दुकानदारी और व्यवसाय बन गया, नहीं तो शिक्षा ऐसे किसी काम के लिए बनी नहीं थी। शिक्षा उन लोगों को लेनी थी कि जो इस चीज को अपने में फील करें और दूसरा वैसा बच्चा ना पैदा होने दें। ये तो भगवान जाने कि कब शिक्षा और स्वास्थ्य में बिजनेस आ गया, कब पैसा आ गया, और फिर ऐसा होने लगा कि लोगों ने कहावतें बना दी, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अरे मैं पैसे कम दे रहा हूं तो भी मुझे गुड़ उतना ही चाहिए भाई, मेरी जिंदगी हो सकता है कि आपके लिए इम्पोर्टेंट ना हो, हो सकता है मेरे बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट ना हो, मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं अंतिम संघर्ष तक अपनी जिंदगी को, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए और शिक्षा को पाने के लिए खर्च करूंगा। सर, जैसे बहुत सारे स्कूल हैं, तो आप उन स्कूलों में से अपने स्कूल को अलग कैसे मानते हैं, और ये मेथोलॉजी के बारे में आप कुछ बताएं? देखिए, स्कूल समाज पोषित होने चाहिए थे, मुक्त होने चाहिए थे। मैंने जब स्कूल एस्टेब्लिश किया तो मैं, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये था कि मैं मैक्सिमम टाइम या तो किताबों के बंधन में था, या विचारों के बंधन में था, या इंफ्रास्ट्रक्चर के बंधन में था, या नाम के बंधन में था। मैंने कहा सबसे पहले मैं ये बंधन मुक्त स्कूल बनाऊंगा। बंधन मुक्त का मतलब स्वच्छंद नहीं है, बंधन मुक्त का मतलब गलत नहीं है कि कुछ भी करूं, क्योंकि आज़ादी का मतलब मनमानी नहीं है, आज़ादी का मतलब है सह अस्तित्व, कि आप भी मेरे साथ रहेंगे और मैं भी रहूंगा। मैंने इस बात को समझा,
जब ये बात मैंने स्कूल के रूप में बात करी अधिकारियों से, उन्होंने कहा देखिए हमें हमारा सिलेबस चलना चाहिए, सेंट्रली वर्क होना चाहिए, उसके बाद आप जो भी करें। मैंने बीइंग ए पेरेंट्स, पेरेंट्स की क्या चाहत है उस पर काम किया, फिर शिक्षा के अधिकार की क्या हकीकत है उस पर काम किया, और बच्चे को कहा कि बेटा ये ज्ञान है जो तेरा पासपोर्ट है, ये ज्ञान है जो अमीरी और गरीबी को खत्म करेगा, ये ज्ञान ही है जो अपराध मुक्त बनाएगा और दुनिया को भयमुक्त बनाएगा। इस बात को मैं समझा, इसको एस्टेब्लिश किया, और हुआ क्या कि शुरुआती दिक्कतें आई, चैलेंजेस आते ही हैं। मैं समझता हूँ चैलेंज ना हो तो लगता है रास्ता ही ठीक नहीं है। तो इस तरह से इन चैलेंजेस को डे बाय डे मेथोलॉजी में मैं इंट्रोड्यूस करता चला गया। मेरे सामने बहुत सारे सवाल खड़े थे कि पढ़ने का तरीका क्या हो, कैसे पढ़ा जाए, कैसे असेसमेंट किया जाए। मैं हैरान होता था कि टीचर उसको एजुकेशन वो तीन कामों से देखा करता था, ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन बाय टीचर टू स्टूडेंट, बाय बुक्स टू स्टूडेंट, और बाय इंटरनेट स्मार्ट क्लासेस टू स्टूडेंट, वर्क नोन एज ए ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन। दूसरा काम स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन बाय प्रैक्टिसाइजिंग, मेमोराइजिंग, लर्निंग बाय डूइंग, बाय सो मेनी मेथड एज पर द एरिया डेवलप्ड, एंड द थर्ड वन वॉज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन बाय नेम ऑफ एग्जामिनेशन। आज तक वर्तमान शिक्षा सिर्फ याद करके सुनाना तक थी, ना वो संस्कार में थी और ना ही सोच में थी। तो ये अगर शिक्षा थी तो इस मॉडर्न साइंस एज में पेन ड्राइव आया हुआ है, बहुत सुंदर इंस्ट्रूमेंट है, बहुत छोटा है, ट्रांसफर भी शानदार लेगा, स्टोर भी प्रॉपरली करेगा, और रिप्रेजेंट जहाँ से कहोगे वहाँ से करेगा। जब इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट आने के बाद आज भी अगर मैं बच्चे के बचपन से खेलूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं कोई स्थान द्रोह नहीं, एरिया द्रोह नहीं, देश द्रोह नहीं, मैं मानव जाति के द्रोह का अपराधी हूँ। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। मैंने कहा कम याद कर बेटा, मगर ये अपने व्यवहार में डाल ले। इसी तरह की सभी मेथोलॉजियाँ डिजाइन होती चली गई। एग्जामिनेशन को मैंने हटा दिया, गवर्नमेंट के हिसाब से एग्जाम होता है, पेपर सबमिट होते हैं, मगर एग्जाम का मतलब ये है कि मैं आपसे सवाल पूछूं कि भाई ताजमहल किसने बनवाया, और आप उत्तर ना दे पाएं, अब तुम्हें ये डिक्लेयर करने का हकदार बिल्कुल नहीं था कि आप बेवकूफ हो। मैं टीचर और पेरेंट्स को अंपायर की भूमिका में नहीं चाहता था कि वो इशारा करें कि तुम आउट हो या नॉट आउट हो। सॉरी, आप मेरी फैसिलिटेटर बने, चाहे आप माता पिता हो और चाहे आप टीचर हो। आप मैं हो सकता है कि हार जाऊं, मैं हो सकता हूं कमजोर हो जाऊं, मगर मैं अक्सर दावा करता हूं एक चुटकुले के साथ में कि बिच्छुओं की बारात जा रही थी, किसी ने पूछा कि तुम्हारा सरदार कौन है, तो साइड चलते बिच्छू ने कहा छू के देख सारे ही सरदार हैं। इस तरह के बच्चों को बनाना मैंने शुरू कर दिया। मैं अक्सर बोलता हूं कि मेरा बच्चा हो सकता है कि अब सवाल पूछे और हार जाए, हो सकता है, मगर अगर वो हार गया तो अलर्ट रहिएगा, बहुत जल्दी वापस आने वाला होगा वो आपसे दोबारा मुकाबले के लिए। और अगर दोबारा भी हार गया तो ये गारंटी बात है तीसरी बार आपको नहीं छोड़ने वाला। तो ये मैंने तैयार किया और बच्चों को विश्वास करके दिखाया कि बेटे विश्वास करो और अपनी निरंतरता पे लगे रहो, सफलता तो झक मार के आएगी। कि आपने अभी खुद ही बताया कि आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत बुरा वक्त भी आपने देखा है, लेकिन आज आप देश विदेश में शिक्षा का अलख जगा रहे हैं, तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि आपको किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा, क्या बुरा वक्त आपने देखा? देखिए, जब मैंने स्कूल खोला तो मेरे पास मात्र 25 बच्चे थे और 30 रुपये मेरी फीस थी, और हम जैसे बजट प्राइवेट स्कूल्स में अक्सर 50% या 70% फीस आती ही नहीं है, वो 30 रुपये भी लोग नहीं देते थे। अब 50% लोग, 25 में 10-12 लोग ही दे जाएं तो उस 500 रुपये में किसको, तो आप टीचर को सैलरी दोगे, बिजली का बिल दोगे, अपना करोगे, बहुत टफ पीरियड था। हिंदुस्तान में नहीं, सारे संसार में लोग ब्रांड को देखते हैं। मेरे साथ बड़ी कठिनाई थी कि मैं नए विचार को एस्टेब्लिश कर रहा था, और इस एस्टेब्लिशमेंट में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम,
आपको पीपल टीचर्स की फैकल्टी की प्रॉब्लम, आपको स्पेस की प्रॉब्लम, आपको जो रिजिड जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी प्रॉब्लम कि हम यही चाहते हैं। ये कुछ ऐसे थे कि इनको तो आना ही आना था, मगर सेना की पृष्ठभूमि थी मेरी, मैंने कहा कुछ भी आ जाए, मैं सेना में यही सीखा था कि जो तुम लेते हो वही हम भी लेते हैं खाना, जीत तुम्हारी नहीं मेरी भी हो सकती है। और धीरे से मैं इसको उठना शुरू हुआ उस जिद के साथ में। और सच बताऊं पिछले दिनों को जब मैं देखता हूं तो मुझे प्राउड होता है कि मैं उस सब चैलेंजेस से जो दुनिया के मिथ बन चुके थे कि पहली दूसरी का बच्चा डॉक्टर आर एस अग्रवाल की रीजनिंग लॉजिक सॉल्व नहीं कर सकता, सॉल्व करके दिखा देता है। मैं विश्वास रखता हूँ, मेरा एक बच्चा आपका हाथ देखता है, आप सोचते हैं भविष्य बताएगा, वो कहता है पहले वर्तमान तो ठीक कर दूँ, आपको किडनी की प्रॉब्लम है, आपको लीवर की प्रॉब्लम है। तो ऐसे बच्चे बनने शुरू हो गए क्योंकि मुझे विश्वास था कि ऊपर वाला अगर कुछ भेज रहा है तो मेरे और ऊपर वाले के बीच का गेम है, उसका काम है बच्चों की शानदार उपलब्धियों की तैयारी करके एक पैकेट भेजे, और मेरा काम है कि समाज में जो जरूरत है उस उपलब्धियों में से समाज को दे दिया जाए। बस टूट पड़ा सर। आज तो मैं इस सिस्टम को कहीं भी चलाता हूँ, चाहे गाइडेड डिस्कवरी, चाहे प्रोग्रेस चार्ट, कोई भी सिस्टम करी, 42 इनोवेशन मैंने स्कूल में किए। और आज आप यकीन नहीं करेंगे कि मैं तो बेचैन रहता हूँ, मेरे बच्चे बहुत शांत रहते हैं। उन बच्चों को पता लग गया कि अगर समाज में कुछ भी गलती हो रही है तो जिम्मेदार हम ही लोग हैं, इसका मतलब समाज को हमारी उपस्थिति का कोई आभास नहीं है। इस श्रृंखला से मामला आगे बढ़ा और मैं आज बहुत खुश होता हूँ इस बात को देखते हुए कि सफलता के सोपान शुरू हो गए हैं। जी, सबसे इम्पोर्टेंट तो यही होता है कि बच्चे जब रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाए, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है। ये अक्सर सवाल, मैं ये बात को समझता हूँ कि हम बच्चा बना किसके लिए रहे हैं, अगर समाज के लिए नहीं बना रहे, देश के लिए नहीं बना रहे, मानवता के लिए नहीं बना रहे, तो अक्सर मेरे मन में रहता बना किसके लिए रहे। अगर कोई बच्चा है समाज, समाज से आप इच्छा मत करो कि समाज आपको बताएगा क्या, आप किसी भी विद्यालय में किसी भी राष्ट्र की नीति यही बनेगी, अगर समाज खराब हुआ है, संसार खराब हुआ है, तो इसके लिए ना तो कोई पेड़ पौधे जिम्मेदार हैं, ना कोई जानवर जिम्मेदार है, सिर्फ इंसान जिम्मेदार है। और उस जिम्मेदारी में सबसे बड़ी भूमिका शिक्षकों की है। हम शिक्षक जब इनएक्टिव हो गए तो आप कंप्लेन मत करिए, अब आप बर्दाश्त करने की तैयारियां करिए। मैं वो नहीं होने दूंगा अपने जिंदे जी। पता क्यों, मैं आपको बड़ी छोटी सी बात बताऊं, मैं अक्सर मजाक में कहता हूं इस बात को कि भाई जब मैं ऊपर से चला था शरीर एक माँ के पेट में लेने के लिए, तो भगवान ने मुझे बताया था कि तुम्हें स्वर्ग भेज रहा हूं। जब मैं यहां आया तो लोग मुझे प्रूव करने लगे कि स्वर्ग ऊपर है, तो मैंने उनसे पूछा बिना शरीर का कौन सा स्वर्ग होगा मेरा, जब शरीर ही आप दफना दोगे जला दोगे तो आत्मा का स्वर्ग क्या करूंगा, स्वर्ग यही है शरीर के साथ सुख भोगने का। मैंने कहा ना, मैं बार बार इस धरती पर जन्म लूंगा, बार बार शिक्षक बनूंगा और तब तक बनता रहूंगा जब तक इस दुनिया में ये दुनिया भय मुक्त ना हो जाए, जब ये दुनिया अपराध मुक्त ना हो जाए। और सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है, मैं दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सरोकार नहीं हूँ, ये मेरी जिम्मेदारी है कि मेरे हाथ से अगर कोई निकला या मेरे जानकारों के हाथ से कोई निकला और मुनि स्कूल को उन हजारों स्कूलों में बदल दिया जाए, ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है। और अगर एक बार मैं प्रमाण दिखा सका आपको, एक बार आपको प्रूफ के रूप में कुछ दिखा सका, आप मानने की मजबूरी होगी, क्योंकि कोई बच्चा कमजोर नहीं है, मेरी फिलॉसफी है। हाँ, उसका प्रयोजन अलग हो सकता है, उसका अर्थ अलग हो सकता है, कमजोर नहीं है। देखिए, बार बार भगवान अवतार लेके जन्म लें, बार बार भगवान ये आके कहें कि अब आपको मैं कर दूंगा हेल्प, अब इस युग में आपको श्री कृष्ण के आने की अपेक्षा मत रखिए, खुद ही उठिए और खुद ही बदलाव पर चल दीजिए, ये मेरी सोच थी। सर, आपके स्कूल की सराहना जापान सरकार से लेके कई विदेशी एजेंसियां करती हैं, इसकी क्या खास वजह है? देखिए, शिक्षा कोई प्रदेश की नहीं होती, जैसे बोलता हूँ 2+2=4, क्या ये भारत का है या रसिया का नहीं होगा या अमेरिका का नहीं होगा या स्पेन का नहीं होगा या अफ्रीका का नहीं होगा, ये सबका है भाई। ज्ञान का मतलब ही यही है। देखिए, मैं बोलता हूँ शिक्षा है क्या,
जीने के लिए ज्ञान, जिंदा रहने के लिए नहीं। क्योंकि जिंदा रहने के लिए किडनी, लीवर, ऑल बॉडी ऑर्गन्स को पता है क्या क्या करना है। तो शिक्षा क्या है? जीने के लिए ज्ञान। जीना मतलब, जीना और जिंदा रहने में फर्क है। जीना मतलब परिवार में, स्वयं में, समाज में, देश में और विदेश में। आज अगर एक अफ्रीकन कंट्री गरीब है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, वो अपराधी है तो आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, कल वो रिक्वेस्ट करके आएगा और परसों अपना मानवता का हक मांगेगा। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, ड्यूटी है और न संविधान की ड्यूटी है। अब जब इस चीज को मैं कहता हूं यूनिवर्सल हम बच्चे तैयार कर रहे हैं, ग्लोबल सिटीजन तैयार कर रहे हैं विद यूनिवर्सल ऑर्डर। आज बच्चे को आपने तैयार करा, IIT कराया, MCA कराया, कुछ भी कराया, हो सकता है कि वो अर्थ कमाने के लिए कल वो अमेरिका जाए और अमेरिका उसको अपना झंडा लगा दे, हो सकता है। तो मैं तो हैरान रहता हूँ कि कोई ये कहे कि सर मैं सिर्फ उत्तम नगर के लिए बच्चे तैयार करता हूँ या इंडिया के लिए करता हूँ। देखिए, बच्चा तो कहीं भी जाएगा, ये बाउंड्रीज आपने मारी हुई है। एक ही तरह की लैंड के ऊपर एक बाउंड्री लग जाती है तो दूसरा देश होता है, ये दूसरा देश होता है। तो जब ये देखते हैं, पूरे संसार के देश ये देखते हैं कि भाई बच्चा जो है वो ग्लोबली तैयार हो रहा है विद यूनिवर्सल ऑर्डर, तो चाहे जापान हो या अफगानिस्तान हो, हर आदमी आपके साथ काम करना चाहेगा। सर, इस स्कूल को, एक स्कूल को लीक से हटकर खोलने के लिए, स्थापित करने के लिए आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ा? देखिए, मेरे पास फंड नहीं था। सबसे बड़ी चुनौती तो जिंदगी में होती है कि पैसा ना हो, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी की आरती में बोलते हैं कि आप आओ और सब कुछ आ जाए। तो सबसे पहली प्रॉब्लम थी कि मेरे पास पैसा नहीं था। फिर उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि इस तरह के स्कूल की अवधारणा भारतीय शिक्षा जगत में नहीं थी। उनके यहाँ फिक्स रूल था कि जो याद कराया है वो सुना दो और बेहतर रिजल्ट कर दो। मतलब यहाँ तक था कि स्कूल अपने बच्चों के बेस्ट रिजल्ट के लिए बच्चों का बचपन खत्म कर सकते थे, ये जिद थी आपस में। मैंने कहा ठीक है, मेरे स्कूल का रिजल्ट 10 बार नहीं 1000 बार खराब हो, मगर एक भी बच्चे का जीवन खराब ना हो, ये मेरी सोच थी। लोग बोले कि सोच पे एडमिशन कौन करवाएगा? आप यकीन नहीं मानेंगे कि एक बच्चा मैंने एडमिशन लिया, उस बच्चे को फिट्स मिर्गी के दौरे आते थे। मैंने माता पिता कहा, देखिए बहुत अगर बुरी तरह हो गया होगा तो शायद मैं नहीं सुधार पाऊं, मगर अभी अगर साल दो साल चार साल में हुआ है तो ये गारंटी रही कि ये शिक्षा उसका दौरा खत्म कर दी बीमारी। ये हुआ, वो बच्चा 2 साल पढ़ा, उसके बाद उसको महीने में 2 बार फिट्स आते थे। यहाँ पढ़ने के दौरान फिट्स की बात छोड़ दीजिए, साइन भी नहीं आया। ये शिक्षा बहुत कुछ कर सकती है भाई। 80% बीमारियां साइकोसोमेटिक्स होती हैं, आप दिमाग से सोचते हैं और शरीर में बीमारी आ जाती है। तो मुक्त कहां हुआ? तो मेरे साथ पैसे की दिक्कत थी, मेरे साथ ब्रांड की दिक्कत थी, मेरे साथ सरकारी कानून की दिक्कत थी कि इतना बड़ा ही कमरा चाहिए और जिस आदमी पर कुछ भी ना हो, सिर्फ एक संकल्प हो उसका। मैं तो कहता हूं कि मैं इन चैलेंजेस से बच के निकल गया। मेरे लिए सभी चैलेंजेस को यही धन्यवाद कि आपने मुझे जगह दे दी जिससे मैं निकल करके बाहर आ गया। मेरा घर गिरवी था, मेरे साथ अपने रोटी कमाने के लिए मुझे और भी बाहर जाना पड़ता, दुबई जाता था मैं रोटी कमाने के लिए, और इसके साथ और मामले बढ़े, परंतु वो जरूरी थे ताकि मेरे चैलेंजेस को चेक करने के लिए। सफल आदमी जब ही होगा जब बहुत सारे चैलेंजेज होंगे, जिसको मैं आज कह के सुना पा रहा हूँ आपको जी। तो अशोक जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ था शुरुआती दौर में कि आप किसी से पैसे मांगने गए, आपको किसी के पास जाना पड़ा हो पैसे मांगने के लिए और पैसे नहीं मिले हो, या फिर जिल्लत झेलनी पड़ी हो, ऐसा कुछ? इस वाक्य को तो मैं एक ही वाक्य सुनाऊंगा, ज्यादा वाक्य तो बहुत दिल को तंग करते हैं जी। मेरे साथ एक बैंक, मेरे एक जानकार थे, एक बैंक में चपरासी कुछ करके ऐसा ही रैंक था सिमिलियर टाइप का। उनसे मैंने 5,000 रुपये लिए और उनका ब्याज रेट था 10%। मैं ये बात आपको 2002 और 2003 की बता रहा हूँ। उस समय उनका ब्याज रेट 10% था। मैं 5,000 रुपये 500 रुपये पर मंथ 6 साल तक देता रहा, 5,000 इकट्ठे नहीं हो पाते थे। मैं उनको 6 साल देता रहा 10% के रेट से, और वो टाइम से ले जाते थे क्योंकि बैंक अधिकारी थे, टाइमिंग उनको ज़्यादा अच्छी थी, टाइम से वो ले जाते थे। और आप सोचिए, 500 गुना 12 6,000, और 6,000 गुना 6
36,005 रुपए मैंने इनको इकट्ठे करके दिए। ये तो अब मैं हंस के कहता हूँ, बड़ा अच्छा किया उन्होंने यार, मुझे कम से कम रेट इंटरेस्ट समझा दिया। और आज वो वहीं पर है और मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ पाया। बहुत सारे जिक्र है, मुझे समझता है कि ये अपना दर्द है, मैं जितना निकोठूंगा, जितना उसको रगड़ूंगा, वो मुझे और तंग करेगा, तो मैं भूल करके अपनी मस्ती में लग जाता हूँ। बहुत सही बात है। और अशोक जी, आपको क्या लगता है हमारे देश को किस तरह की शिक्षा की जरूरत है? देखिए, हमारे देश का अपना करैक्टर रहा है शिक्षा के ऊपर। अगर ये देश अपने हिंदुस्तानी का, धर्म का नहीं बोल रहा, हिंदुस्तानी होने का अगर ये उसका मूल करैक्टर छोड़ देता है, पश्चिम है, पश्चिम का अपना करैक्टर है, मार्केटिंग है, जो जो है जिस कंट्री का, अगर जर्मन है तो उनका लड़ाई का और इन सब का, हर एक कंट्री का अपना कल्चर है, हिंदुस्तान का भी एक कल्चर है सह अस्तित्व का। हिंदुस्तान में चाहे मेरे विरोधी विचार हों, हम कहते हैं मनभेद हों, मतभेद ना हो, हमारे आपस में बीच में दूरियां ना हो। एक हिंदू राजा एक क्रिश्चियन कम्युनिटी को जगह देता है, चर्च बनाने के लिए पैसा देता है, दो अलग अलग विचारधाराएं एक साथ पनपती है, डाइवर्सिटी मेरे देश की पहचान है। इस डाइवर्सिटी में ये देश कभी शिक्षा गुरु होता था, संसार को हमेशा कुछ ना कुछ देता था। तो इस कल्चर को ख़त्म ना करें, ये एजुकेशन का कल्चर इसी तरह से चलता था कि भारतीय शिक्षा में कहा जाता था कि मेरे आपके बीच में हो सकते हैं मतभेद हो सकते हैं, मैं हो सकता है ब्रह्मा को मानता हूं, आप विष्णु को मानते हैं, हो सकते हैं। तो ये विचारिक मतभेद है, हमारे बीच में शारीरिक दुनिया के मतभेद नहीं आएंगे।